राजस्थान में पिछले 4 सालों में लगातार विकास की गंगा बही है। चिरंजीवी योजना और निशुल्क दवा योजना की बात करें तो इन सभी में भारी सफलता मिली है। वहीं पूरे राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने सड़कों का जाल राज्य में बिछा दिया है। अस्पतालों की व्यवस्था रोजाना सुदृढ़ हुई है। बिजली के बिल में सरकार ने 1,000 रुपए की कटौती की है, ये कहना है राजस्थान के आपदा मंत्री गोविंद राम मेघवाल का। बीकानेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री मेघवाल ने कहा कि जिले में 9 कॉलेज खोले गए, साथ ही अंग्रेजी स्कूल पूरे राजस्थान में खोले गए। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल से खास बातचीत की बीकानेर की A1 टीवी संवाददाता के सिंह ने। और छात्रों के लिए लाएंगे क्योंकि उनका सोच है अच्छे खेल मैदान हो, पापड़ खाओ और कोरोना भगाओ। अरे ये उनसे भी तो पूछा करो। बीकानेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। हमारे साथ है आपदा मंत्री गोविंद राम मेघवाल, बात करेंगे। गोविंद जी, 4 साल के कामों की अगर बात करें, बहुत बहुत बधाई आपके 4 साल निकले, क्या कहें? देखिए, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने वो काम किए हैं इस 4 साल में जो पिछले 20 सालों में नहीं हुए। आप देख रहे हैं OPS योजना, इससे कर्मचारी खुश हुआ है। चिरंजीवी योजना, आम आदमी को 10 लाख तक का इलाज फ्री, और अगर एक्सीडेंट में किसी की डेथ होती है तो 5 लाख का उसको मुआवजा मिलेगा। गांव गांव में अंग्रेजी स्कूल देने से जो लोग प्राइवेट स्कूल में जाके लाखों रुपए खर्च होते थे, आज जो है गरीब का बच्चा सीधा इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगा। राजस्थान भर में जबरदस्त इन्होंने कॉलेज देने का काम किया है, जबरदस्त सड़कें देने का काम हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे किसान मित्र योजना, 1,000 रुपए बिल में माफ, और 200 यूनिट तक 3 रुपए उसमें सब्सिडी मिलेगी, और उससे आगे में 2 रुपए मिलेगी, और इसके अलावा 50 यूनिट बिजली फ्री। 36 लाख किसानों का बिल आज शून्य हो चुका है। इसके अलावा आप चारों तरफ किसी भी वर्ग में किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो मुख्यमंत्री जी ने रिकॉर्ड तोड़ काम किए हैं। नई पंचायतें देने से जो है पंचायतें छोटी होगी, विकास में आसानी होगी। नई पंचायत समितियां दी, जैसे बीकानेर के अंदर पूगल और हमारे बज्जू, ये पंचायत समितियां देने का काम हुआ। राजस्थान में कोविड पे बहुत बढ़िया काम किया गया, प्रधानमंत्री तक ने इसको सराहा। वही कह रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष के अंदर भीलवाड़ा मॉडल बना। कोरोना में घर घर निःशुल्क दही देने का काम हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर 5,000 लाशें गंगा नदी में तैर रही थी, जहाँ आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है, और यहाँ अशोक गहलोत जी ने इतना जबरदस्त प्रबंधन किया कि उन्होंने कहा कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। लॉकडाउन में काम बंद हो गए थे, लेकिन हम सब ने घर घर राशन बांटने का काम किया सरकार की ओर से, जिससे कि आदमियों की डेथ भी कम हुई और कोई आदमी परेशान नहीं हुआ। और आज भी अगर कोरोना की जैसे आहट आ रही है, अगर वापस आएगा तो मुख्यमंत्री जी बिल्कुल मुस्तैद है और वो हर तरह से तैयार है जनता की सेवा करने। भारत जोड़ो की सफलता बड़ी, माने भारत जोड़ो में तो साफ कह दिया राहुल गांधी जी ने कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है, क्योंकि 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने पूरे देश के अंदर सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया। मॉब लिंचिंग हो रही है, हिंदू मुसलमान के दंगे कराने की साजिश हो रही है, संविधान को जलाने का काम हो रहा है, प्रजातंत्र को कमजोर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जी ने कहा, जब सारी संवैधानिक संस्थाएं बिक गई, बैंक सारे दिवालिया कर दिए, पार्लियामेंट में आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हो, इसलिए उन्होंने रास्ता अपनाया कि जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। और इस भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है, 3,500 किलोमीटर की आजादी के बाद पहली बार यात्रा है, और इस यात्रा का उद्देश्य है भाईचारा, नफरत को कमजोर करो ताकि नफरत नहीं फैले, और दूसरा बेरोजगारी और महंगाई जो हुई है इस देश के अंदर, महंगाई से आज आम आदमी की 2 रोटी की व्यवस्था, 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था होना का मुश्किल हो गया है। हाल बेमिसाल रहे, पूरी तरह से विकास की नदियां यहां पर बहाई गई, यह कहना है राजस्थान के आपदा मंत्री गोविंद राम मेघवाल का। KK सिंह, A1 TV, बीकानेर।